और वही मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पर अभी भी सियासत घमासान जारी है। अब प्रदेश सरकार ने 2019 के परिसीमन पर चुनाव कराने से मना कर दिया है। पंचायत चुनाव के लिए अब नई वोटर लिस्ट के साथ साथ नया परिसीमन भी होगा। सरकार के इस फैसले को कांग्रेस ने आड़े हाथों लिया। देखिए रिपोर्ट। पंचायत चुनाव में आरक्षण और परिसीमन के मामले में अब एक और नया मोड़ आ गया है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में हुए परिसीमन को एक बार फिर समाप्त कर दिया है। इसके लिए नया अध्यादेश लागू किया गया है और इसकी अधिसूचना भी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने गुरुवार देर शाम को जारी कर दी है। आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पंचायतों के परिसीमन को लेकर जो अध्यादेश जारी किया है वो स्वागत योग्य है, अभिनंदनीय है। बहुत साइंटिफिक और लॉजिकल ढंग से अब त्रिस्तरीय पंचायतों का परिसीमन हो पाएगा, चाहे वो जनपद जिले का बाढ़ हो या पंचायतों का परिसीमन हो। कांग्रेस ने जिस प्रकार से परिसीमन किया था वो तो स्वतः रद्द हो गया था और उसके पीछे कई प्रकार के राजनीतिक षड्यंत्र के कारण स्पष्ट उजागर हुए थे और वो परिसीमन कांग्रेसीकरण था। पंचायतों का कांग्रेसीकरण नहीं, लोकतंत्रीकरण होना चाहिए। शिवराज सरकार ने परिसीमन को समाप्त कर दिया। कमलनाथ सरकार का किया गया परिसीमन खत्म कर दिया। नया अध्यादेश भी लागू कर दिया गया है। अब नए सिरे से फिर से परिसीमन किया जाएगा। जिला जनपद ग्राम पंचायतों का परिसीमन होगा। विधि विशेषज्ञों ने दिया है अपना मत। अध्यादेश ही समाप्त हो चुका है तो फिर चुनाव कराने का औचित्य ही नहीं। 1200 से ज्यादा पंचायतें फिर अस्तित्व में आई। कमलनाथ सरकार ने किया था परिसीमन। 1950 पंचायतों का परिसीमन किया गया था। 102 ग्राम पंचायतों को समाप्त किया था। पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच समाप्त किया। इन पंचायतों में एक साल से चुनाव नहीं हुए थे। फैसलों को कांग्रेस ने कोर्ट में चुनौती दी थी। इसी बीच ओबीसी आरक्षण का पेच आ गया था। 26 दिसंबर को शिवराज कैबिनेट में फैसला हुआ। 26 दिसंबर को ही राज्यपाल की मंजूरी भी मिली। 26 दिसंबर को ही अधिसूचना जारी कर दी गई। भारतीय जनता पार्टी सरकार में पंचायत चुनावों को लेके अफरा तफरी की स्थिति है, सर्कस जैसा माहौल बना रखा है। एक तरफ 2014 के रोटेशन के आधार पर चुनाव करवाने की तैयारी थी, जब न्यायालय में विभिन्न तरह की याचिकाएं लगी, सरकार बुरी तरह फंस गई, चुनाव रद्द करना पड़ा। और अब 2019 का परिसीमन, जिसको किसी न्यायालय में कोई चुनौती नहीं मिली, पूरी तरह से न्याय संगत था, उसको रद्द किया जा रहा है। अब जिला पंचायत से लेकर ग्राम पंचायत तक का परिसीमन नए सिरे से किया जाएगा। पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2021 की अधिसूचना में कहा गया है कि चुनाव की अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग किसी भी कारण से ऐसे परिसीमन के प्रकाशन की तारीख से 18 माह की अवधि के भीतर जारी नहीं की जाती तो प्रकाशित परिसीमन और विभाजन निरस्त माना जाएगा। दीप्ति चौरसिया के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।